अपने बोर्ड को कितने पार्ट में बांटा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? सर तीन 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 पार्ट में मैंने सर बांट दिया है ना। पहले पार्ट एरोमेटिक में मैं किसको लिखने वाला हूँ? कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड को। दूसरे पार्ट में एंटी एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और तीसरे पार्ट में नॉन नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट लिखूंगा, वेबसाइट पे लेक्चर है ऑलरेडी, मुझे फटाफट एक्सप्लेन करना है, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट कराता हूँ। तो वो असाइनमेंट जब करेंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा आपको, है ना? ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना? यस, ये काफी है। सो अवभ्या, सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है एरोमेटिक कंपाउंड में, पढ़ोगे बेटा? ये सर हाईली स्टेबल कंपाउंड नहीं, ऊपर पढ़ो, एरोमेटिसिटी। इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड हैज फॉलोइंग सो कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमेटिसिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली, है ना? एरोमेटिसिटी इज नथिंग बट अ केमिकल प्रॉपर्टी, इज अ केमिकल एंड डोमिनेटिंग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, है ना? ठीक है, रहता है। और इसमें प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर फॉलोइंग जो है ना, और कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी वो क्या होंगे? दीज आर हाईली स्टेबल कंपाउंड। पहले तो स्टेबल हो जाएंगे, और आपको पता है इनकी रेजोनेंस एनर्जी एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाती है ना? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। अगर एरोमेटिसिटी किसी कंपाउंड में आ जाएगा तो क्या हो जाता है उसमें, उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? हाई हो जाती है। दिस कंपाउंड फॉलो हकल रूल, हकल रूल को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? पढ़ो पढ़ो अब क्या लिखा है। दिस कंपाउंड फॉलो Hucl rules. According to this, a cyclic planar compound having 4n plus 2 pi electrons delocalized is aromatic, where n is हाँ, तो n की वैल्यू जो है ना 0, 1, 2, 3 तक जाती है। तो ये हकल रूल को फॉलो करते हैं, और हकल रूल में क्या होता है जिसका, है ना? हकल रूल को फॉलो करेंगे ना, प्लेनर भी होते हैं और प्लेनर होते हैं, और लिखा हुआ है ना अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, अ साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा, है ना? ठीक है। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, 1, 2, 3 पॉसिबल हो सकती है। और एक स्टार मार्क करके कुछ लिखा है, अदिति आप पढ़ो क्या लिखा है स्टार मार्क करके। Aromatic compounds have pi electrons in their bonding molecular orbitals, हाँ which gives extra stability to the compound. ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में होते हैं? कौन से ऑर्बिटल में? Bonding molecular orbitals. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। BM. हाँ, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, एनर्जी उनकी मिनिमाइज ज़्यादा हो जाती है ना? कम होते हैं इसीलिए कम हो जाती है। आ रहा है बात समझ में, है ना? ठीक है, इस तरीके से होगा। ओके, नाउ अब हम लोग इसके डिस्कशन में आते हैं और आगे लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वगैरह के बारे में बता रहा हूँ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर सेम एनर्जी लेवल पर है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा हो जाएगी। तो बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी क्या, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए नाउ अब हम लोग बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक है तो कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ओके ठीक है, सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में ये क्या क्या लिखा जा रहा है, एक मिनट को मैं पूरा लिख देता हूँ, पहले तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, उसके बाद मैं आपको। यस, ये लीजिए, सही पोजिशन पे हैं हम लोग। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अदिति पहला पॉइंट क्या लिखा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज, एंटी एंटी एरोमेटिसिटी इज, एरोमेटिसिटी इज ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हाँ, दे दीज आर हाईली दीज आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड यानी स्टेबल रहते हैं ना, स्टेबल नहीं है। जबकि एरोमेटिसिटी कैसे, एरोमेटिक कंपाउंड अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही तो क्या क्या कर देगी वो प्रॉपर्टी, उसको क्या कर देगी हाईली वो, स्टेबल हाईली स्टेबल कर देगी। और अगर उसके अंदर एंटी एरोमेटिसिटी आ रही तो क्या कर देगी उसको, हाईली अनस्टेबल हाईली हाईली अनस्टेबल कर देगी। ठीक है, इस तरीके से। आ रहा है समझ में, है ना? ठीक है, ये रहेगा। धैर्य, आपने कब ज्वाइन किया? हेलो, शुरुआत से ज्वाइन कर लिया था? हेलो धैर्य, आवाज़ आ रही है? माइक खराब है, आ रही है ना? ठीक है, अभी किया ना, जस्ट अभी।
ये एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन देख लिया था आपने? नहीं? ओके, अभी रिपीट कर देंगे ना, तो 2 मिनट रुको। ठीक है, तो ये कर देंगे, है ना। दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट पढ़ो आप लोग, एरोमेटिसिटी का अध्याय आप भी पढ़ लो। तो एरोमेटिसिटी में, अच्छा मुझे यहाँ पे 1 मिनट रुको थोड़ा सा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाता। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली मैं यही बता रहा था इसमें, पहले ऐसे यहीं पे आते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे पहला पॉइंट जो है ना, अदिति पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे थे? अरे यार, यस ठीक है, अब ठीक है, अभी दोनों दिख रहे हैं, है ना। ठीक है, अभी डीएस सर हट गए यहाँ से, है ना, चले गए। ओके, तो पहला पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, देयर आप भी देख लीजिए, एरोमेटिसिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, तो एंटी एरोमेटिसिटी भी केमिकल प्रॉपर्टी है। और एरोमेटिसिटी जब किसी कंपाउंड में आता है तो वो उसको हाईली स्टेबल कर देता है, और एंटी एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी आता है तो हाईली अनस्टेबल कर देता है। अब बी पॉइंट दोनों को पढ़ो, दोनों एक में हकल रूल फॉलो हो रहा है, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड में 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। बी पॉइंट पढ़ो आप लोग, कौन पढ़ेगा? चलो अदिति आप पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो। Because of delocalization, these compounds become unstable. Here, therefore, these compounds avoid resonance delocalization. तो ये अजीब सी बात है ना, यहाँ पे ये अभी तक आपने क्या सुना था कि डीलोकलाइजेशन से क्या होता है? सब लोग मुझे जवाब देंगे चैट में, जो लोग जानते हैं, स्टेबिलिटी आप बढ़ती है. जिन्होंने आज वो पहली क्लास भी है वो भी लिखेंगे चैट में कि अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो उससे क्या होता है। हाँ, डीलोकलाइजेशन से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, सबने सुना था ये चीज, सबने सुना था। हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब यस आपने सर यहाँ बी ऑप्शन में क्या लिखा दिख रहे हैं आप, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक में क्या लिखा दिख रहा है आपको कि बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन दिस कंपाउंड बिकम अनस्टेबल। अगर इनमें डीलोकलाइजेशन कराया तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएंगे। कौन से कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक एंटी कंपाउंड. एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना। ठीक है, समझाया। और क्या एरोमेटिक कंपाउंड में हम डीलोकलाइजेशन कंसीडर करते हैं? नहीं करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में धैर्य करते हैं? नहीं करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन करते हैं, बिल्कुल सही, है ना। ठीक है ना ईशा, तो डीलोकलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग जो है ना, सॉरी, एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन कंसिडर करते हैं। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में हमें डीलोकलाइजेशन कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए, अगर किया तो अनस्टेबल हो अनस्टेबल जाएगा. जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे। सी ऑप्शन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो सी ऑप्शन। दिस दिस कंपाउंड कंपाउंड फॉलो फोर फॉलो 4n π पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज सिस्टम. डीलोकलाइज डीलोकलाइज सिस्टम, सिस्टम 4n π डीलोकलाइज सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें कौन सा, 4n+2π. फोर एन प्लस टू पाई वाला, है ना, इनमें जीरो नहीं होता है, जबकि वहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग है। एरोमेटिक कंपाउंड में एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगी? वन जीरो से नहीं, स्टार्ट, जीरो से जीरो स्टार्ट. से स्टार्ट करेगी। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में वन 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 से 1 2 3 से स्टार्ट करेगी। अब मैंने कुछ स्टार्ट मार्क करके लिखा हुआ है कि वी कंसीडर डीलोकलाइजेशन। अगर कोई 4n π सिस्टम है, समझो मेरी बात, 4n π सिस्टम है, मैं समझ गया। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल और दूंगा। ये जो लिखा, ये देखो मेरा, मैंने जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ फिंगर, जिस कंपाउंड की तरफ दिख रहा है आप लोगों को कंपाउंड, वो यस कंपाउंड दिख रहा है, स्क्वायर वाला कंपाउंड दिख रहा है ना, बोलो, यस सर यस सर साइक्लोब्यूटाडाइन दिख रहा है आपको? हाँ सर तो मैं ये इसमें, अब इसको देखते हुए जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट आउट करूँ जिस कंपाउंड को, उसको देखते रहिए। और पहला स्टार मार्क, कुछ स्टार मार्क को पढ़िए, क्या लिखा है पहला स्टार मार्क को, नीचे मेरे हैंड के नीचे लिखा है ना स्टार मार्क, देखो क्या लिखा है। इफ वी, कंसीडर डीलोकलाइजेशन हाँ, देन कंपाउंड, कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक. अगर आप इसके अंदर डीलोकलाइजेशन कंसिडर करेंगे तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक माना जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि दोनों, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या है कि ये साइक्लोब्यूटाडाइन जो कंपाउंड है, इसमें आपको अल्टरनेट सिंगल पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, यस सर
तो yes, क्या, yes, क्या इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम है या नहीं है? yes, कॉन्जुगेट सिस्टम, अब मेरा क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन दस क्वेश्चन समझना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है? ठीक है, इस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन है या नहीं है? yes, हाँ? अगर yes, आपने कहा यस है तो फिर ये कंपाउंड कैसा है? एंटी-एरोमेटिक. और अगर मैं ये कहूँ इसमें नहीं है तो? नॉन एरोमेटिक. सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ो. इफ वी विल नॉट कंसीडर डीलोकलाइजेशन देन द कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक एंड नेवर बी एरोमेटिक. नेवर बी एरोमेटिक क्यों? क्योंकि एरोमेटिक के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए डीलोकलाइज? 4n+2. और यहाँ 4n+2 पर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तुमको? हमेशा 4n मिलेंगे, तो कभी भी एरोमेटिक पे नहीं पहुंच पाओगे. साइक्लिक मिल सकता है, प्लेनर मिल सकता है, लेकिन आपको 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे. इसलिए कंपाउंड एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, है ना, इस तरीके से. तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होता है या नहीं होता है, या सुनो, होता है एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होता है या नहीं होता है? यस सर होता है. यस सर. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होता है या नहीं होता है? होता है. होता है. एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होता है या नहीं होता है? होता है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या आ जाता है? अनस्टेबिलिटी. अनस्टेबिलिटी, तो वो अवॉइड करते हैं डीलोकलाइजेशन. यस सर. नो. यस सर. यस सर. और एरोमेटिक कंपाउंड क्या चाहते हैं? डीलोकलाइज. उसमें डीलोकलाइजेशन वो प्रेफर करते हैं कि डीलोकलाइजेशन हो ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़े. ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हमारा डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर कोई किसी के लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना. जैसे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो वहां पे काम करने का सिस्टम है या नहीं है? नहीं. सिस्टम है या नहीं है? सिस्टम है. लेकिन काम करना, हाँ, काम करने का सिस्टम तो है, सिस्टम तो बने हुए हैं. हाँ. लेकिन कोई काम करना चाहता है क्या? नहीं. और अगर काम करवाया तो करना पड़ेगा, लग जाएंगे. हाँ? तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी. अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी. समझ गए, बस यही है एंटी एरोमेटिक. यस सर. ठीक है, है ना, यही है एंटी एरोमेटिक. ओके, सिस्टम तो है. मतलब जैसे एक वो मैंने देखा था, एक चीफ मिनिस्टर की वाइफ के का कोई साइबर क्राइम हुआ था वहाँ पे पंजाब वगैरह में, तो 24 घंटे में उसको पकड़ लिया गया था, है ना. कुछ उसके 8-10 या 15 हज़ार रुपए ऐसा कुछ निकाल लिए थे उसके बैंक अकाउंट से कुछ वो करके. हाँ, तो उसके, हाँ, उसकी वाइफ का था. बाकी बाकी दुनिया भर के यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन उनको जो है ना लोग पकड़ते नहीं. तो सिस्टम तो, इसका मतलब है कि 24 आवर में अगर किसी को पकड़ सकते हैं, देयर इज सिस्टम. सिस्टम तो है लेकिन वो होता नहीं है. तो वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ पे सिस्टम तो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन का, सिस्टम तो है, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन करना नहीं चाहते. अगर आपने करवाया तो अनस्टेबल हो जाएंगे, जितना ज़्यादा करवाओगे उतना ज़्यादा अनस्टेबल होंगे ये. So please avoid delocalization. इसीलिए avoid करते हैं delocalization. Got it? हाँ, चले. yes, अच्छा point है ना, समझ में आ गया. तो अगर आप इनका consider करोगे इसके अंदर delocalization, क्यों, जो मैंने जो 2 star mark point लिखे हुए हैं बहुत deep point है, हम लोग इसको आगे फिर से आगे पढ़ेंगे तो क्या है वो आगे देखेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये lecture को आप लोग देखना है, मैंने वैसे explain कर दिया है. मैं कुछ यहाँ पे और लिख रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे ये मैंने कुछ एरो करके लिखा हुआ है अभी इसमें, जो मेरा साइक्लोबेन इसको कुछ ऐसे इलोंगेट कर दिया, यूं कर दिया है. समझे आप क्या हुआ है इसमें, बताओ, है ना. पहले कैसा था, स्क्वायर के फॉर्म में मैंने बना रखा था साइक्लोब्यूटाडाइन बना रखा था, फिर मैंने कैसा बना दिया है, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बनाने में मैंने ए और बी की बॉन्ड लेंथ आपस में क्या कर दी है, बढ़ा दी है, है ना. इसलिए यहाँ पे डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा,
स्टेबल हो जाएगा तो उसको क्या मानोगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में साइक्लोब्यूटाडाइन लिखा हुआ है वो नॉन एरोमेटिक है, और जो स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है वो कैसा है? वो एंटी एरोमेटिक. तो वो जो स्क्वायर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों गया वो तुमको फील आ रहा है समझ में, क्यों गया होगा? एक्सक्यूज मी सर, देखो वापस बता देंगे. हाँ फिर से बताऊंगा. हाँ बोलो अदिति, क्या बोलो? सर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का लास्ट वाला स्टार मार्क वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार, फिर पढ़ो उसको क्या लिखा है, पढ़ो. इफ वी विल नॉट कंसीडर डीलोकलाइजेशन देन कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक एंड नेवर बी एरोमेटिक. तो एरोमेटिक का तो मैं पहले समझा देता हूँ, क्योंकि कंपाउंड जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे. या सुनो. यस सर. तो 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन अचानक 4 एंड प्लस 2 पाई तो नहीं बन सकते. यस सर. तो एरोमेटिसिटी में तो नहीं जा पाओगे किसी भी तरीके से. हाँ लेकिन वो नॉन एरोमेटिक तो बन सकते हैं, है ना? ठीक है, नॉन एरोमेटिक तो बन सकता है. तो नॉन एरोमेटिक कैसे बनेगा कि उसमें अगर डीलोकलाइजेशन आपने नहीं कंसीडर किया, अगर आपने रीलोकलाइजेशन कंसीडर करा तो वो अनस्टेबल बनेगा और वो एंटी एरोमेटिक बनेगा. और अगर आपने रीलोकलाइजेशन कंसीडर नहीं किया तो उसे एंटी एरोमेटिक माना जाएगा. समझे? मतलब नॉन एरोमेटिक माना जाएगा. एंटी एरोमेटिसिटी जो है ना वो विद डीलोकलाइजेशन ही प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना. नहीं आया समझ में? लेकिन कितना? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन इंक्लूडेड है उसमें. हाँ ये बात अलग है कि डीलोकलाइजेशन की वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या आ रहा है, अनस्टेबिलिटी आ रही है. समझ में आया? हाँ तभी सब कुछ उल्टा हो गया है, एंटी में आ गया. एंटी का मतलब रिवर्स ऑफ एरोमेटिसिटी. जहां पे एरोमेटिसिटी में डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है, वहीं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अनस्टेबिलिटी आती है. So, anti-aromatic compounds में भी delocalization 4n plus 2 electrons नहीं, 4n plus 2 pi नहीं, दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं. yes, समझे? yes, ठीक है, अब आ गया समझ में. हाँ तो इसीलिए क्या हुआ है, हाँ इसीलिए क्या हुआ है, ये जो इस नॉन एरोमेटिक के कॉलम में जो मैंने बनाए रखा है अभी, वो नॉन एरोमेटिक के बारे में नहीं लिखा हुआ है, वो एग्जांपल वहां लिखे हुआ, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची हुई है. नॉन एरोमेटिक के कॉलम में एक बना रखा है, नहीं बना रखा है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. नॉन एरोमेटिक के कॉलम में जो पहला स्ट्रक्चर बना, जो स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है, वहां पे हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कंसीडर किया है. वो कंपाउंड कैसा है? एंटी एरोमेटिक है. और एंटी एरोमेटिक है और साथ में कैसा है? अनस्टेबल है. तो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? Yes, sir. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप को कहाँ भेजेगा? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ भेजेगा? नॉन एरोमेटिक भेजेगा. उसके लिए उसने क्या किया? बॉन्ड लेंथ इलोंगेट कर ली. बॉन्ड लेंथ इलोंगेट किया तो अब जब बॉन्ड लेंथ इलोंगेट होगा तो ये पाई, जो पाई बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे अब. समझे? अब ये स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो अब नहीं, इनको नहीं माना जाता है फिर, इनको डीलोकलाइज है ना, फिर नहीं माना जाएगा. बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है ना, एक जैसे बॉन्ड में आपस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, वो चेंज होगी. ठीक है, आ रहे बात समझ में? तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा. तो देख लेना अगर आपके क्वेश्चन में स्क्वायर वाला शेप वाला बना हुआ है तो एंटी एरोमेटिक आंसर लिखना, अगर रेक्टेंगुलर शेप वाला बना हुआ है तो क्या आंसर लिखोगे? नॉन एरोमेटिक. अदिति समझ में आ गई बात? यस सर. आगे बढ़े, चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको और रिवाइज करिएगा, मैंने सारी बातें समझा दी है. हाँ बोलो. जो अभी आपने साइक्लो ब्यूटाडाइन बनाया था, हाँ. उसमें आपने जब इलोंगेट करवाया था तब, हाँ. सिर्फ एक ही बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना, मतलब बी की कम तो नहीं होगी ना उस चक्कर में? एक ही बॉन्ड लेंथ इलोंगेट कराने पे मेरे ख्याल से दोनों ही चेंज होने आनी चाहिए. और क्या है, स्ट्रेस करोगे ना ऐसे करके, खींचोगे ना यूं करके अगर स्ट्रक्चर को, तो क्या होगा, चेंज हो गई ना दोनों सर? तो मतलब बी की कम होगी? हाँ चेंज होना चाहिए. एक मतलब कार्बन का सिंगल बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बी वाली छोटी तो हो जानी चाहिए. एरिया कांस्टेंट है.
हाँ, दोनों का जो है ना एनर्जी, एक का चेंज होगा तो दूसरे का भी चेंज होना चाहिए। सर एक बार पेन टैब में बना के दिखा दीजिए ना। हाँ मैं बता देता हूँ आपको, आप पहले ये पढ़ लो, इसको जरा इसको देख लो, पहले नॉन एरोमेटिक को देख लो, फिर मैं कनेक्ट करता हूँ एक साथ, है ना। इसको देख लो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को देख लो, क्या लिखा है, पढ़ो इसमें। इट इज ऑल्सो केमिकल ओपन चेन कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड हो सकता है नॉन एरोमेटिक। अगर ओपन चेन हो गया तो फिर तो तुम ना तो उसे एरोमेटिक बोल सकते हो ना एंटी एरोमेटिक बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के लिए एक कंडीशन कॉमन है। वो कौन सी कंडीशन कॉमन है, दोनों कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए और प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर, हाँ, तो साइक्लिक और प्लेनर होंगे तो ही और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, अदरवाइज चांस नहीं है ना। तो ओपन चेन कंपाउंड होगा तो 100% नॉन एरोमेटिक है। फिर मैंने एक और भी लिखा है, बी पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, इनकम्प्लीट लिखा है, इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ साइक्लिक कंपाउंड। अगर साइक्लिक कंपाउंड है भी तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, कम्प्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे बीच में मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड दिखाया है, साइक्लोपेंटाडाइन का कंपाउंड दिखाया हुआ है, और वहां पे मैंने बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, सब लोगों को स्क्रीन पे, है ना। उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन पूरे रिंग में नहीं हो पाएगा। तो अगर पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो भी हम उसको भी हम लोग बोलते हैं कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये ना तो एरोमेटिकसिटी में आएगा ना एंटी एरोमेटिसिटी में आएगा। आ रहा है समझ में। ओपन चेन हो गया तो नॉन एरोमेटिक है, अगर क्लोज चेन है तो कहीं ना कहीं मतलब वो डीलोकलाइजेशन रुकना चाहिए, पूरी चेन में ना हो, कोई ना कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वगैरह मिल जाए तो पूरे कंप्लीट में नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन अगर हुआ साइक्लिक में, साइक्लिक कंपाउंड में, तो भी वो नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। लास्ट में लिखा है मैंने, सी पॉइंट लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री बन जाती है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन में का जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी जो है ना, जैसे अभी आपने देखा था कि जो मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया था, एक मिनट मैं आईपैड कनेक्ट करता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ। अभी आपने देखा था कि मैंने साइक्लोब्यूटाडाइन बनाया था, और साइक्लोब्यूटाडाइन को मैंने स्क्वायर शेप से कौन से शेप में बना दिया था, रेक्टेंगल बना दिया, तो वहां पे पाई बॉन्ड थे, बट पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन था वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया था। यस सुनो, रेस्ट्रिक्टेड, अगर डीलोकलाइजेशन का रेस्ट्रिक्शंस भी हो जाता है तो भी कंपाउंड कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। मेरे हिसाब से आ गया होगा तुम लोगों को समझ में, कोई दिक्कत अब अभ्या बात समझ आ गई नहीं आ गई, है ना। ठीक है अब अभ्या आगे नहीं आगे समझ में, है ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही, आ रही, ठीक है। तो ठीक है नाउ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट उस पर चलते हैं, है ना, उस पर वीडियो पर, है ना। माइक खराब हो गया था 2 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ग्रुप का नॉन प्लेनर देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन वो कह रहा है कि साइक्लिक और प्लेनर वाला पार्ट जहाँ पे 4n+2π इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, वो वाला पार्ट में अगर प्रॉपर कॉन्जुगेशन है तो कोई समस्या ही नहीं है। प्रियांशु, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। तो वो जो जिस जो बेंजीन वाला जो पार्ट है वो तो प्रॉपर है, कोई समस्या नहीं, उसके बाहर आप क्या कर रहे हो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे पिछले क्लास में भी आप याद है, वो एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना था, उसके ब्रैकेट में उसके साथ मैंने एक 4 कार्बन की रिंग और लगा दी थी, याद है, जिसमें मैंने पाई बॉन्ड नहीं लगाए थे। मैंने कहा था कि एक रिंग में ही एरोमेटिसिटी है, लेकिन एज ए कंपाउंड जो होगा पूरा कंपाउंड क्या माना जाएगा, एरोमेटिक माना जाएगा। तो वही चीज दूसरे वाले पार्ट में आप क्या कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी एक पार्ट में ऐसे ठीक चल रहा है तो एरोमेटिक माना जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एक दूसरा लेक्चर है, कौन सा लेक्चर, नंबर 12, है ना। ईशा आप लोग ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टेम्पलेट है पूरा अपने उसमें वेबसाइट पर देख लेना, है ना, कोर्स ऑफ, है ना। ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th 12th अलग अलग नहीं है, एक ही में है ना। तो उसमें ये आप GOC के लेक्चर स्टार्ट करना, 1 2 3 4 हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय,
लेक्चर नंबर 12 जरूर दिख रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे लेक्चर है, 15 मिनट के लेक्चर है, लेक्चर ज्यादा नहीं हुए अभी, है ना। तो पार्ट टू पे पहुंचना कर लोगे ना, ठीक है चलो। बाकी तुमने पढ़ा हुआ है पहले से तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तो कर लोगे। तो सबको लेक्चर दिख रहा है ना ये वाला, है ठीक है। तो ये लेक्चर आपके सामने है। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे फिर पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डी पॉइंट पढ़ते हैं, सी पॉइंट तक वहां पहुंच गए थे, डी पॉइंट कौन पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ो अब भैया, पढ़ो क्या लिखा है डी पॉइंट में। एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड वुड नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। आप लोग समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल समझते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोफाइल, स्पेशली इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से लिखा जाता है। 11th के स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिखे ई लिखे, ई फॉर एलिफेंट वाला ई लिखे, कैपिटल में लिखे और उसको प्लस साइन लगा दें उसके ऊपर में। सो इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, लिख लो कॉपी में सभी लोग, कैपिटल ई लिखना और उसके ऊपर प्लस साइन लगा देना और उसके ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रोफाइल और फिर उसके आगे लिखना इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। लिख लिया सब लोगों ने, 11th के स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, यहां तक लिख लिया, फुल स्टॉप लगाना और उसके बाद लिखना विच विल अटैक एट द साइट हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि ऐसी साइट पर जाके अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। या सुनो, आ रही बात समझ में, हाँ बोलो, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो जो है ना एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, उस पर हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं हुई, सॉरी। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, बेसिकली मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ तो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं यही समझा रहा था कि अगर हमारे पास जैसे इस तरीके के अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन टाइप के वगैरह के, तो इनके जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनके पाई बॉन्ड एडिशन रिएक्शन से खत्म किए जा सकते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब इनके पास अभी बॉन्डिंग और की जा सकती है, तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाई एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड था और उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाई एडिशन रिएक्शन। बट सेम थिंग इफ यू विल परफॉर्म विद द बेंजीन, तो बेंजीन का समस्या ये है कि बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा, और उस जैसे ये वाला देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ समस्या ये हो गई कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम खत्म हो गया, जो बेंजीन करना नहीं चाहता। इसीलिए बेंजीन क्या करता है कि भाई मेरा बेंजीन वाला पार्ट है उसको तो मेंटेन रखो, बाकी जो एच एटम है उनको हटा के उसकी जगह पे दूसरा लेकर आ सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हो, जैसे है ना, बस मैं सब्स्टिट्यूशन तो आप कर सकते हैं ना। आप अपने घर में जा, मान लो एक चीज हटाकर दूसरी चीज ले आते हैं, अपना एक बुक को हटा के दूसरी बुक लेकर आ जाते हैं, दैट कॉल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप एडिशन नहीं कर सकते। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन लॉट, आगे समझ में काफी एक्सप्लेन कर दिया, टाइम भी दे दिया इसमें। कोई समस्या किसी को, 11th वालों को स्पेशली, 12th वालों को आ गया होगा समझ में, 11th के किसी भी स्टूडेंट को समस्या हो तो दोबारा हैंड रेज कर सकता है कोई भी यहाँ से, है ना। धैर्य वगैरह आप लोगों को कोई दिक्कत हो पूछ लेना बेटा, है ना, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ना, कहाँ पे, ऊपर की तरफ, हाँ हाँ देखो ये है सर, ये तो सुन में आ गया। हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रही थी, क्या बोल रही है सर, ये तो सुन में आ गया। मैं कुछ और पूछना चाह रही थी कि सर, इसे एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक ये बेंजीन तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया सर, और कौन कौन से होते हैं? हमने पिछले क्लास में आपको याद, हमने नेप्टलीन पढ़ा था, याद है, नेप्टलीन पढ़ा था, एंथ्रासीन पढ़ा था, और उन सब में केकुले अरेंजमेंट आता था, नहीं आता था, याद है? हाँ सर। तो वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड ही है, जहाँ जहाँ भी बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर सारे वो से है ना। अभी और भी पढ़ाऊंगा, इस लेक्चर में आएंगे, अभी आने वाले हैं, इसमें भी आएंगे सर, बहुत सारे कम एग्जांपल आने वाले हैं। नॉन एरोमेटिक के नहीं है सिलेबस में ज्यादा एग्जांपल्स, जहाँ जहाँ तुमको ये, जहाँ जहाँ जितने भी तुम्हारे ओपन चेन कंपाउंड है पूरी दुनिया में, वो सारे कैसे हो गए? ओके सर, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे सारे, नॉन एरोमेटिक है बहुत सारे कंपाउंड। अब साइक्लिक भी है, लेकिन 4n+2π नहीं है तो भी नॉन एरोमेटिक है, है ना। साइक्लिक है और अगर 4n+2π इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हो गए,
साइकिल लिखे अगर उनमें 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है तो एंटी एरोमेटिक हो गए, इसके अलावा जो भी कंडीशन है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। कहीं पे रेस्ट्रिक्टेड डीलोकलाइजेशन का फंडा आ रहा है, कहीं पे ओपन चेन का फंडा आ रहा है, कहीं पर इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन होगा रिंग के अंदर, जैसे बीच में वो sp3 कार्बन आ गया था तो रिंग में इनकम्प्लीट डीलोकलाइज, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी दिखाई देंगी तो उससे तुमको पता चल जाएगी नॉन एरोमेटिक है। यस सुनो, यस सर, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूं अपने लेक्चर में, बोलो। हाँ, ज्यादा वही पढ़ना, अगर आप वो भी पढ़ जाते हैं ना तो भी ऑप्शन, लेकिन आपको आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। इसे ये लेक्चर खत्म होते होते, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, एक्चुअली सुपर ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर है, तो मतलब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, इतना कंसिस्टेंट लेयर वो चलेगा इन्फॉर्मेशन की, आपको अच्छा उसे अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आज ट्राई भी करता हूँ कि आज आपको नोट्स भी पहुँचाए जाए पढ़ने के लिए, ट्राई करता हूँ, 100% ट्राई करता हूँ कि आपको नोट्स मिल जाएंगे बुक के पढ़ने के लिए, है ना, तो उसको ही पढ़ोगे तो आपको अच्छा से आ जाएगा समझ में। ठीक है, सो नाउ व्हाट अबाउट ई ऑप्शन में क्या लिखा है, दिस कंपाउंड आर डायमैग्नेटिक एंड सोर्स डायमैग्नेटिक इंड्यूस करंट, है ना, इनमें डायमैग्नेटिक इंड्यूस करंट पाई जाती है, डायमैग्नेटिक होते हैं एक्चुअली, डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं भी आपको समझाता हूँ। और क्या लिखा है, एफ में हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी बिकॉज स्टेबल ज़्यादा होते हैं। और पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें केकुले अरेंजमेंट याद है, के अरेंजमेंट याद है, यस सर, कौन कौन से एग्जांपल थे, बेंजीन था, नेप्थलीन था, एंथ्रासीन और वो था, सॉरी फिनेंथ्रासीन, बीएनएपी, ठीक है, उस तरीके एंथ्रासीन और एंथ्रासीन था, ठीक है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो इनमें वही है कि जिनमें इनमें क्या होता है, इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है, हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है इनके केस में, है ना, ठीक है, तो समझ में आ गए सारे पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, और समझे, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो तुमने बोला ना इससे पहले वाले पॉइंट में कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये बोला था ना, बोला था, यस सर, अनस्टेबिलिटी का रीजन समझ में आ रहा है क्या है, यस सर, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस एबीएम में, हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो प्रेजेंस है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस कहां पर है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, है ना, तो यहां पे या तो एंटी बॉन्डिंग होगा या नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग कब पहुंच जाएगा पास, समझ में आ रहा है ना, जब ये एंटी एरोमेटिक अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, Non-aromatic वगैरह में कन्वर्ट करेगा तो पक्के से वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन पढ़ो, these compounds are paramagnetic and shows paramagnetic induced current, मैं भी इसका मतलब समझाऊंगा। ई ऑप्शन का भी बस आप ये समझ लीजिए कि मैंने एरोमेटिक वाले कॉलम में क्या लिखा था, ई ऑप्शन में कि ये कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक, और इसके ई कॉलम में क्या लिखा है, करवाएंगे तो समस्या है ना, करवाएंगे तो ये और ज्यादा क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इनकी रेजोनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, ठीक है, होती ही नहीं है बल्कि, है ना, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, इसमें इनके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है क्या, रेस्ट्रिक्टेड हैव मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ई ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, डी ऑप्शन में नॉन एरोमेटिक के कॉलम में दिख रहा है, लास्ट में लिखता है नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, नॉन एरोमेटिक में मॉडरेट वैल्यू होती है, मतलब इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती है कि एरोमेटिक से ज्यादा हो जाए, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती है कि एंटी एरोमेटिक से कम हो जाए, या सुनो, मतलब क्या, मैं अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन होता है, यस और नो, क्या जवाब दोगे आप, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन, अरे यार हो सकता है ना, तो क्या होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, हाँ कंप्लीट की बात तब करोगे जब साइक्लिक कंपाउंड में कंप्लीट ना हो तो वो नॉन एरोमेटिक है, है ना, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कंप्लीट हो रहा हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, 4-5 कार्बन की चेन बना लो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बना दो यार, यक्षम, उसमें समझ गया, पाई बना लो तो डीलोकलाइजेशन तो होगा,
और डीलोकलाइजेशन होगा तो रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू आएगा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। yes, हाँ, कम आएगा, कम आएगा, एरोमेटिक में ज्यादा आता है ना, इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी के जो ऑर्डर है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, यहाँ लिखा है क्या, एक मिनट, ओके, ये लिखा हुआ है, ओहो ये लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, स्टेबिलिटी या रेजोनेंस एनर्जी क्या लिखा है बताओ, एरोमेटिक वाले कॉलम में क्या लिखा है, सबसे ज्यादा किसकी है, किसकी है, एरोमेटिक की, एरोमेटिक, एरोमेटिक, दूसरे नंबर पे किसकी है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तीसरे नंबर पे किसकी है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की है, ठीक है, इस तरीके से बात समझ आ रही है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट होता है दैट कॉल फ्रॉस्ट सर्किल, जो अभी आपको मैंने एक पॉइंट माइंड में रखने के लिए बोला था, क्या था वो पॉइंट, क्या था वो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये फ्रॉस्ट सर्किल डायग्राम जो है ना हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, और इसमें जो ये लेबल है मतलब इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग, और एक मिनट में ड्रॉ करता हूँ, ये सिचुएशन है, ये जो पॉइंट है नीचे वाला जो पॉइंट होता है, नीचे वाला जो पॉइंट है सर्किल का है ना, क्रॉस सर्किल में मैंने आपको जो मैंने ऑर्बिटल वगैरह ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं है ना, एक बार रुको मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, रुक जाओ एक मिनट। एक फ्रॉस्ट सर्किल का आईपैड दिख रहा है सब लोगों को, तो एक फ्रॉस्ट सर्किल का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था और उसमें मतलब थोड़ा सा आपको पता है कि एमओटी के केस में क्या होता है, जैसे आपको याद है कि एमओटी के केस में अपन ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, याद है आप लोगों के 11th के स्टूडेंट को है ना, तो भी क्या था, क्यों आया था, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करना, तो हमने क्या किया, हमने एक अलग तरीके का मेथड निकाला था। तो वैसे ही क्या था, वैसे ही इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझाने के लिए हमने एक तरीका डेवलप किया, उस तरीके का नाम था फ्रॉस्ट सर्किल डायग्राम, क्या नाम था, फ्रॉस्ट सर्किल डायग्राम को बनाकर समझाने का तरीका एक डेवलप किया गया, वो क्या तरीका था मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट मुझे ड्रॉ कर देने दीजिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से था, तो यहाँ पर ये वाला जो एक लेवल था, एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, ऐसे करके यहाँ पे ये बनाया गया ऐसे करके ना, इस तरीके से। तो ये कहा गया कि इनसे जो ऑर्बिटल्स, और ये जो था ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लेवल था, इसके रिस्पेक्ट में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी ये सबसे नीचे होगी, ये कैसे होगी, एक ये वाला लेवल होगा, एक ये वाला लेवल होगा, और इसके जो हाई एनर्जी लेवल पे होंगे वो कैसे होंगे, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, है ना। कितने कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, कितने पाई बॉन्ड बन रहे थे, तीन पाई बॉन्ड बन रहे थे, तो तीन पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितनी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही थी पाई बॉन्डिंग में, हाँ तो मेरे छह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे बना होगा, सिक्स का कैसे बना होगा ऐसे, है ना, इनके ये दो इससे बनाए होंगे, दो इससे बनाए होंगे और दो इससे बनाए होंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके तीन कार्बन आपस में, तो ऐसे सिक्स बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो छह इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड है, ये दो ये हैं और दो ये हैं और दो ये हैं, तो ऐसे करके सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखे जाते हैं ऐसे करके, ये तरीका, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसी पड़ी रहती है, खाली पड़ी रहती है, किसके केस में, बेंजीन के केस में। और यही चीज जब हमने इसके लिए ड्रॉ की, किसके लिए ड्रॉ की, ये वाले कंपाउंड के लिए जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखता है, तो ये फोर कार्बन की रिंग थी, तो फोर कार्बन की रिंग को एक सर्किल में ड्रॉ करने के लिए तरीका क्या डेवलप किया गया, तरीका इस तरीके से डेवलप किया गया, फोर कार्बन की रिंग को डेवलप करने के लिए ऐसे ड्रॉ किया गया इस तरीके से ही हो, ठीक है, ये आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रीजन था। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाई गई, ये वाली बनाई गई,
और एक जो है ना इसके लेवल पे बनाई गई है ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर लेवल पर ये बनाई गई है ऐसे करके, और एक एंटी बॉन्डिंग पे बनाई गई है, इसको यहीं पे बना देते हैं ऐसे करके, ये हो जाएगा ठीक है ऐसे करके। ओके तो इसमें क्या होगा, इसमें दो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाते हैं और दो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला जो था साइक्लो ब्यूटाडाइन था, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बोलो, वो कैसे रखते हैं, वो अनपेयर्ड, वो कैसे हैं बोलो, अनपेयर्ड है, है ना, वो अनपेयर्ड है, इसीलिए यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म आती है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाती है, पैरामैग्नेटिज्म आ जाती है। अरे वसंत में तो वो ये कहते हैं कि जब आप एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन कराना चाहते हो, समझना ध्यान से, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन कराने के लिए आपको इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना पड़ेगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन कराने के लिए क्या होता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन का ही तो कराओगे ना, एक तरफ से आप दो इलेक्ट्रॉन लाते हो, दूसरी तरफ से दो इलेक्ट्रॉन भेज देते हो, यही करते हो ना। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर में आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों अनपेयर्ड हैं, तो आपको इनको पेयर अप कराने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, आपको फीड करनी पड़ेगी, पैरामैग्नेटिक को डायमैग्नेटिक बनाना पड़ेगा, उसके बाद डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। सुनाया, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है, समझ में आ गया, ये तरीका से आप समझा सकते हो। ये जस्ट एक मेथड बनाया गया है, फ्रॉस्ट सर्किल डायग्राम बनाया गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो सिस्टम है कि वो छह पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनेंगे, तो तीन कार्बन थे, तो तीन कार्बन के तीन पाई बॉन्ड, तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्डर बनेंगे, तीन एंटी बॉन्डिंग बनेगी, और आप क्या करोगे, आप छह इलेक्ट्रॉन्स को टोटल को कितने में रख दोगे, तीन में रख दोगे, वैसे यहाँ पर भी है ठीक है। तो ये सिचुएशन बेसिकली यहाँ पे क्रिएट होती है, और आप तो आपको वो क्लियर हो गया पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म वाला पार्ट। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन कराना है, तो जो आपको इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं उनको आपको पेयर्ड कराना पड़ेगा, तभी एक एक मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब आप पेयर्ड कराओगे तो आपको एनर्जी फीड करनी पड़ेगी, जिस एनर्जी को आप फीड करोगे उसी एनर्जी की वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएंगे। आई बात समझ में है ना भाई, डीलोकलाइजेशन जो आप कराते हो आपने ऐसे किया हुआ है ना, डीलोकलाइजेशन को मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को यूं ही समझाया हुआ है ना आप लोगों को, ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले, ऐसे ही बताया हुआ है ना। हाँ yes, ये चीज आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कहाँ दिख रही है ना, एक तो लोन पेयर, एक तो आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपस में पेयर्ड, लेकिन बाकी दो कैसे दिखाई दे रहे हैं बोलो, तो ये इंश्योर करेंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम है और कम से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाएंगे। हाँ वैसे ही है, कम पहले तो इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पे फिलअप करोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, यस एनर्जी ऑर्डर तो यही होता है ना, इस तरीके से बोला जाता है ना इसमें। अब मैंने ये चीज आपको यहाँ बताई हुई है कि यहाँ पे जो साइक्लोब्यूटाडाइन था, जो कि एंटी एरोमेटिक मैंने लिखा है ब्रैकेट में, दिख रहा है आप लोगों को, उसमें मैंने दो काम किए हैं, एक में क्या क्या सीसी बॉन्ड लेंथ क्या करी, इंक्रीज की है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को बढ़ा दिया है, एलोंगेट करके नॉन एरोमेटिक कर दिया है, और दूसरा काम मैंने क्या किया है, इसका डाइमराइज करा दिया, डाइमर बनाकर भी ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है, दोनों काम मैंने कर दिए हैं, है ना, दोनों काम किए जा सकते हैं। अगर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है जहाँ पे आप चाहते हैं कि डीलोकलाइजेशन अवॉइड हो जाए, जैसे ये कंपाउंड था, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक था, ये वाला जो कंपाउंड था साइक्लोब्यूटाडाइन, ये कंपाउंड अभी एंटी एरोमेटिक है, आप चाहते हैं कि एंटी एरोमेटिक ना बने, तो पहला काम तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सीसी बॉन्ड को इंक्रीज कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो बी बड़ा होगा ए से, तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ डीलोकलाइजेशन आपने अवॉइड कर दिया। तो जब भी डीलोकलाइजेशन अवॉइड होता है
तो नैनो एरोमेटिक और डीलोकलाइजेशन अगर आप मानते हो कि इसमें 4n पाई सिस्टम में, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब भी आप डीलोकलाइजेशन मानोगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये भी एक तरह से देखा जाए तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, यहाँ पर भी n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या क्या कंसीडर किया है, डीलोकलाइज्ड, तो इसलिए हमने इसे यहाँ पे एंटी एरोमेटिक क्लेम किया है। लेकिन यहाँ पे आपने यही वाले इलेक्ट्रॉन को क्या क्या किया है, लोकलाइज्ड है ना, तो इसलिए हमने इसे क्या माना है, नॉन एरोमेटिक माना है, ठीक है। या फिर ये कंपाउंड क्या करता है, ये कंपाउंड अपने आप को डाइमराइज करता है। तो डाइमराइज करने का तरीका क्या है, डाइमर मतलब दो यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, तो दो यूनिट आपस में जोड़ने का क्या तरीका, मैं वो भी समझाता हूँ आपको। वो तरीका ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, मैं एक मिनट में रेड मार्क करता हूँ, ये दोनों बॉन्ड को मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, है ना, ये दोनों बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड अपने अपने आप ऐसे समझ लो कुछ ये सिचुएशन क्रिएट होती होगी। अब मैं इनको हटा रहा हूँ, है ना, देखना अभी ये हटा दिए, हटाने के बाद ये क्या करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो गया तो एक इसका फ्री हो गया, पाई बॉन्ड वाला, अभी आपस में जोड़ जाएंगे ऐसे ही होकर के ऐसे, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन लॉस्ट हो गया नहीं हो गया, बोलो, अब तो कॉन्जुगेशन नहीं रहा ना, अल्टरनेट सिंगल पाई बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है ना आपको, आपको है ना, अब तो नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से डाइमर बना लेते हैं, है ना, डाइमर बना, ये डाइमर बन गया, डाइमर बनाकर भी क्या करते हैं, अपना कॉन्जुगेशन खत्म कर लेते हैं, और कॉन्जुगेशन मतलब डीलोकलाइजेशन खत्म कर लिया, डीलोकलाइजेशन खत्म करते ही ये क्या बन जाएंगे, नॉन एरोमेटिक ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े इसमें, इस लेक्चर में, है ना, तो इसको देखो जरा, है ना, वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, है ना, यहाँ पे ये सारे मैंने एग्जांपल बताए, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। तो मैं एक एक करके एग्जांपल देना चालू कर रहा हूँ, अदिति यहाँ से चीज़ें और भी क्लियर होंगी, स्टूडेंट जितने लोग भी यहाँ पर हैं वो सब लोग देख लें, आपको यहाँ से चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, है ना, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा, पढ़ो आपको इनको। तो क्या होगा देख लो आप, मैं आपको अब केस वन एक एक करके मैं केसेस बनाऊंगा, बहुत अच्छे से यहाँ से लेक्चर को सीक्वेंस में ले गया हूँ, आप देखना। तो केस वन में क्या है, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को, और मैंने n इक्वल टू कितना पुट किया है, n इक्वल टू 0 पुट किया है, तो कितना, n इक्वल टू 0 पुट करने पे मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो हम लोग वापस अपने आईपैड पे आते हैं, और सबसे पहले मैं केस स्टडी कराता हूँ आप लोगों की। केस स्टडी में मैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले एरोमेटिक कंपाउंड पे काम कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहला सिस्टम है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डीलोकलाइज सिस्टम जो है ना वो हमके, ये डीलोकलाइज सिस्टम हमें मिलना चाहिए। तो ऐसा कैसे, और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन ये है कि साइक्लिक भी होना चाहिए, या सुनो, और मिनिमम जो साइकिल बनाई जा सकती है वो 3 कार्बन की बनाई जा सकती है, तो मैं 3 कार्बन की साइकिल बना ली, और उसमें दो, ये दो पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो मैंने एक पाई बॉन्ड भी लगा लिया ऐसे करके। लेकिन ये वाला जो कार्बन था ये sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दूंगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, तो ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक हो जाएगा, या सुनो बोलो, ये सब कुछ फॉलो करेगा कैसे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो आपको दो पाई बॉन्ड दिखना, ये यहाँ शिफ्ट कर देना, यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो मैं एक काम करता हूँ, मार्किंग करता हूँ ए बी और सी, आप मुझे बताएंगे किस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कहाँ खत्म हो जाएगा, सी पे आ जाएगा, सब लोग सुन, हाँ कहाँ पे आ जाएगा, बोलो सी पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना, ये जो था ना ये वाला, इसको यहाँ भेज दो ऐसे, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, 3 साइड में एक एक साइड पे सब पे आएगा नहीं आएगा, एक एक बार पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, बोलो, अब की बार प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, बी पर पहुंच जाएगा,
ठीक है ना, तो इसका फिर क्या बना लेना, इसका बना लेना रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेना। तो कैसे बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलो? पूरे में डैश 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 लगा देंगे, पूरे में पाई बॉन्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है पूरे में? यस सर, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा बोलो, क्योंकि पाई बॉन्ड सबके पास पहुंच रहा है और बीच में ऐसा प्लस चार्ज लगेगा ऐसे करके। तो रियल स्ट्रक्चर तुमको इन तीनों में से कौन सा दिखाई देगा? 1, 2, 3 और 4, जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड के जैसा होगा। ये सुनो, तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होगा और उसी के वजह से ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अब अगर कोई कहता है सर मैं 4-4 मेंबर की रिंग बना सकता हूँ, क्या बना ले भाई 4 मेंबर की रिंग बना सकते हो, बट आपको पाई इलेक्ट्रॉन कितने लगाने हैं, एक ही पाई बॉन्ड बनाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि यार यहाँ देखोगे तो 4 वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों कार्बन कैसे हो गए बोलो? ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिड, तो वो तो पॉसिबल नहीं। अगर आपने दोनों को ऐसे छोड़ दिया तो sp3 हो जाएंगे और sp3 होते क्या, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। इनको एरोमेटिक बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बोलो? यहाँ पे प्लस साइन लगा देना चाहिए। या सुनो, कितनी साइड्स हैं इसकी यार, अगर मैं आपकी नंबरिंग करूँ A, B, C, D, तो इस समय AD के बीच में है, आपको क्या करना है एक एक करके? हाँ, एक साइड पे अभी आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, आपको एक एक करके सभी साइड पे पाई बॉन्ड ले जाना है। ले जाओगे बोलो? तो ये इधर आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। अब बोलो अगर यहाँ पाई बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? डी पे आएगा और सी पे आएगा। वेरी गुड, अब इसको यहाँ भेजो। अब कहाँ पे आएगा? डी और ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसको यहाँ भेजो। ए और बी पे आ जाएगा। तो चारों साइड पे पहुंच गया एक एक बार। फाइनली क्या बना दो? रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो ना। फाइनली क्या बना दो? रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, ठीक है। तो जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, है ना? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो इस तरीके से। और क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज कितना लिखोगे? तो प्लस आप लिख सकते हो, क्योंकि वो अपने आप ही पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, दो पॉजिटिव चार्ज लिखने पड़ेंगे ना। कैसे लिखा जाएगा इसको, चारों को रेजोनेंस हाइब्रिड अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? प्लस प्लस, दो बार प्लस लिखते हैं। सर एक बार जब आप ऐसे लिख रहे थे सर चार्जेस, तो सर आपने हर कॉर्नर में जैसे e by 2 ऐसे करके लिखा था सर, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं और मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं प्लस का 2e by 4 प्लस का 2e by 4 ऐसा नहीं लिख दूं यार, प्लस 2e खत्म हो गया, खत्म हो गया, बीच में प्लस 2e लिख देता हूँ। Yes, तो ही बन जाएगा। बोलो, ये सब नहीं लिखता, प्लस 2 ही लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है, है ना? दो बार प्लस ना लिख के प्लस 2 ही लिख देता हूँ। बोलो, तो भी माना जाएगा ना, दो प्लस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। फिर आया इस तरीके से। अब बताओ, 5 वाले का पॉसिबल है ना? 5 का मुझे नहीं लगता बन पाएगा। अगर 5 मेंबर रिंग बनाओगे दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके 3 जगह पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कुछ, है ना? इस तरीके का कुछ बनेगा नहीं, है ना? ठीक है, तो 5 मेंबर का इस तरीके का कुछ नहीं लग रहा है, तो ये दो स्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाते हैं इस तरीके से, ना? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं थोड़ा सा और वीडियो लेक्चर पे ले जाता हूँ एक बार फिर से, है ना? तो यहाँ पे मैंने एक ये सिस्टम बनाया हुआ है, ये आपको राइट हैंड साइड में जहाँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वहाँ क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, 4N सिस्टम। और N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं? 1 से स्टार्ट करूंगा। तो मैंने पहला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है,
साइक्लोब्यूटाडाइन ये तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चार मेंबर रिंग का, तीन मेंबर रिंग में क्या करूंगा मैं, एक नेगेटिव चार्ज लगा दूंगा, तो चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एक पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन, ये सुनो। और फाइव मेंबर रिंग में मैंने जहाँ पे जो था, मतलब मैं आपको चाहो तो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इन वालों को। जब आप, हाँ जब आप फोर, एक मिनट रुकना, अभी पूछता, अभी ले लूंगा क्वेश्चन। जब आप फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करेंगे, जब आप इस पे काम करेंगे, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करेंगे, जब आप एन इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो यू विल गेट अ फोर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मिनिमम तो यहाँ से चलेंगे, मिनिमम तो इतना हो जाएगा, फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसमें जैसे आपने तीन मेंबर रिंग बनाना चाहा, तो तीन मेंबर में एक तो पाई बॉन्ड बना लेना और एक नेगेटिव चार्ज लगा लेना, इस तरीके से फोर एन पाई हो जाएगा। ये सुनो, फोर मेंबर अगर बनाना चाहो तो फोर मेंबर बनाने का दो तरीका है। या तो आप ऐसा बना लो, या आप ऐसा बना लो, बोलो क्या हो, तो ये ट्रायंगल वाला कैसे बना? ट्रायंगल वाले में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा अंदर ऐसे, इसके इलेक्ट्रॉन भी दो, इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डीलोकलाइज माने जाएंगे। ये वाला दूसरे वाले में 6n पाई हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। हाँ ये गलत हो जाएगा यार, ये गलत हो जाएगा, ये डालो, ये एरोमेटिक में चला जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कैसा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, चार मेंबर रिंग में इस तरीके से बन जाएगा। और उसके बाद फाइव मेंबर रिंग के अगर हम बनाना चाहते हैं, तो फाइव मेंबर रिंग बनाने का तरीका ये है, इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दो। सिक्स मेंबर रिंग बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, ऐसे करके हो जाएगा। कर पाओगे? सही, पॉजिटिव क्यों लगाओ यहाँ पे? अगर नहीं लगाओगे, अगर नहीं, सुनना मेरी बात है ना, इसी की बात कर लेते हैं, सुनना, समझना आ जाती है ना, बाकी लोग भी समझ ले, स्पेशली इलेवेंथ के बच्चे। अगर आप इसमें पॉजिटिव नहीं लगाएंगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा पता है? ये वाले कार्बन का मुझे हाइब्रिडेशन बताओगे आप क्या होगा? sp3 हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा अगर आपने पॉजिटिव नहीं लगाया। और अगर आपने नेगेटिव लगा दिया तो एरोमेटिक, तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन ये और दो इलेक्ट्रॉन ये और इस कार्बन का भी दो इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेंगे पार्ट, तो ये क्या होगा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। तीनों बातें मैंने करके दिखा दी है ना। ये जो कार्बन होता है ना जिस पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, उसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा पाते, इसलिए क्या होगा, हम इसको sp2 ही मानते हैं, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा का, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी, तो पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है, और पूरा का पूरा डीलोकलाइजेशन आप 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन आप कंसीडर कर सकते हो। अदिति अब्बा समझ में आ गई? यस सर। इस तरीके से होगा, तो इसलिए वहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाना जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं लगाओगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर नेगेटिव लगाते हो तो एरोमेटिक हो जाएगा। तो इट्स ऑन द ओनली वे लेफ्ट इज द वे वी शुड ऑपरेट पॉजिटिव चार्ज। ये सुनो है ना, ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़े। yes. देखो जरा एक बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ बोलो, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देने वाला हूँ अभी आपको यहाँ पे बोर्ड पे, और वो मैं केस सेकंड पढ़ा रहा हूँ आपको, आप देखिए यहाँ पे केस सेकंड, हाँ केस सेकंड में जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एन इक्वल टू टू पुट किया है। किसमें एन इक्वल टू टू पुट किया है? किसमें पुट किया है? 4n पाई में। तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को मैंने बनाया हुआ साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, देखो बनाया हुआ है, दिख रहा है? हाँ, कॉट जहाँ लिखा हुआ है, COT लिखा है, कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, दिख रहा है कॉट करके, है ना? तो जो कॉट, जो कॉट जहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस, मैंने एरो के ऊपर क्या लिखा है पढ़ो, एरो के ऊपर में क्या लिखा हुआ है? कन्वर्ट कर, अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? नैनोरोमेटिक, टब शेप में, TUB लिखा है, टब शेप बन जाता है, टब शेप बन जाता है, ऐसे करके बन जाता है टब शेप,
टफ शेप में जाने का रीजन क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ेगा उसका सर। क्यों बढ़ेगा? एंटी एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। यस, टफ शेप में कॉन्जुगेशन तो होगा फिर भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। जैसे वहां पे आपने बॉन्ड लेंथ इलॉन्गेट कर दिया था, यहाँ भी कर दिया था, है ना? तो वो आपने क्या किया, एक तरह से आपने जो पाई बॉन्ड वगैरह को उनको रिजिड कर दिया है ना, पाई बॉन्ड में अननेसेसरी की अनसिमेट्री डाल दी, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है। या आप ये मान के चलें कि आपने पाई जो पैरेलल पी ऑर्डर सिस्टम होता है ना ऐसे करके, यूं वाला वो आपने डिस्टर्ब कर दिया है, या तो लेंथ बीच की दूरी बढ़ा दी है, कुछ आउट ऑफ प्लेन कर दिया है, ऐसे करके जो है ना आपने चीज़ों को बदल दिया है। तो इसलिए क्या होगा कि कॉन्जुगेशन जो प्रॉपर है वो खत्म कर दिया है और वहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, दैट वे द कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक। यस सुनो, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जो मैंने कराया हुआ है मैं आपको करके सिखाता हूँ, बता देता हूँ जो आपको, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो। सर हाँ बोलो सर, हमको ये जो टफ शेप का फॉर्मेशन का रीजन ये बताया था कि नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेन, हाँ वही तो, नॉन प्लेनर वाला हो जाएगा, हो जाएगा नॉन, एक प्लेन में कहाँ से रहेगा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये भी रीजन दे सकते हैं ना। हाँ नॉन प्लेनर हो गया ना, तो नॉन प्लेनर होने से एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। टफ शेप वाला जो है ना नॉन प्लेनर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, वही होगा सर। लिखा भी होगा, मैंने नहीं लिखा है क्या स्ट्रक्चर इसमें नॉन प्लेनर, नहीं लिखा है, लिखता तो हूँ यार मैं, क्या हुआ लिखा नहीं। हाँ बोलो। क्या बोलो सर, एक थोड़ा सा सिली सा डाउट था। हाँ बोलो। कि जैसे सर ये केस टू में इसने अपने शेप को डिस्ट्रॉर्ट कर लिया है, तो सर क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ये रेजोनेंस के फिनोमेना को कर तो लेते हैं, अवॉइड करते हैं, बट तो सर इसलिए इसने डिस्ट्रॉर्ट कर लिया है, तो सर ऐसा केस वन में क्यों नहीं हुआ? केस वन में मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हुआ था ना, उस वाले में हुआ था ना, कि साइक्लो ब्यूटाडाइन में हुआ तो था, उसने अपने आप को इलॉन्गेट किया था या डाइमराइज किया था? सब में ऐसे नहीं होगा, सब में पॉसिबिलिटी जहाँ है वहीं होगा, है ना। अब तीन पाई से तीन जो बॉन्ड लेंथ वाला, तीन एटम वाला जो सिस्टम है उसमें कैसे कर लोगे, है ना? तो जहाँ पॉसिबिलिटीज हैं वहाँ पे हैं मतलब, और उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस जो है ना वो स्टेबलाइज करने के लिए कोई ना कोई चेंजेस जो है ना वो करेंगे, या तो मतलब रिएक्ट करके अपने आप को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, है ना। तो ऐसा होता है, चेंज तो करते हैं, चेंज तो सबने करना है, अनस्टेबल से स्टेबल में सबने जाना है, अनस्टेबल से स्टेबल में सबने जाना है, ठीक है इस तरीके से। हाँ तो मेरा बस मतलब यही क्वेश्चन है कि जैसे आपने सबसे ऊपर स्ट्रक्चर बना के रखे हैं 4π इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो इसमें तीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, चार पर एक भी चार्ज नहीं है, 5 पर एक चार्ज है, 6 पर दो चार्ज है, तो मतलब नंबर ऑफ मतलब वो क्या बोलते हैं चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस वो बढ़ते जाते हैं ना। हाँ तो तुमको 6 कार्बन में क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे का, क्योंकि दो 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 कार्बन पे तो आप पाई बॉन्ड लगा दोगे तो वो तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। अब बचे दो कार्बन, तो दो कार्बन को आपको क्या करना पड़ेगा, sp2 बनाने के लिए आपको दो पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव लगाते हो तो फिर आप पाई इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा डीलोकलाइज कराते हो, वो भी आपके लिए समस्या हो जाती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है ना, हम लोग बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा मुझे और डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉर्ड था साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो कंपाउंड था, ये अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, टफ शेप में करता है, और ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर की वजह से क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम से कराते हैं, तो पोटेशियम से कराने पर ये बड़ी जल्दी कर जाता है ऐसा रिएक्शन। ऐसा उसका जो रीज़न है वो यही है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने आप पास उठा लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को पहले एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा पोटेशियम से, क्योंकि पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है, दो के प्लस करके दो इलेक्ट्रॉन बना सकता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फाइनली क्या करेंगे, फाइनली इस वाले कार्बन को भी नेगेटिव चार्ज दे देंगे, और ऐसा करने पर इसके पास 10π इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन हो जाएंगे, जो कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम बन जाएगा,
है ना, अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू टू पुट कर दीजिए तो आपको आपको कितने हो जाएंगे, 4 × 8 = 2 = 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। इसीलिए बहुत फास्ट जो है ना ये क्या करते हैं, बहुत फास्ट पोटेशियम वगैरह से रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। इवन ये वाला जो कंपाउंड है नॉन प्लेनर, जो टब शेप में चला गया था, जो कि टब शेप में चला गया था, अगर हम इससे भी रिएक्शन कराना चाहें तो ये भी बहुत आसानी से पोटेशियम से रिएक्शन कर जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि इसके पोटेशियम से या सोडियम मेटल से रिएक्ट करने पे क्या बनेगा या क्यों रिएक्ट हो जाता है। तो चाहे वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो, जो कि कॉड था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, वो भी अपने आप को अगर उसको चांस मिलता है कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू एरोमेटिक में जाने का, तो वो जाएगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी में जाएगा, है ना। तो आपने देखा था कि पहले एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड ने अपने आप को नॉन प्लेनर करके नॉन एरोमेटिक बना लिया था, टब शेप में बना लिया था, और उसके बाद अगर उसको चांस मिला पोटेशियम मेटल से रिएक्ट करके, रिएक्ट करने के बाद और उसको इलेक्ट्रॉन मिले, और इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद उसको 10 × 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मिले, तो वो अपने आप को एरोमेटिक भी बना। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी एरोमेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों कन्वर्ट किए जा सकते हैं। डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? हाँ नहीं ना, बोलो आगे बढ़े। सभी लोग हैं इस समय क्लास में, बोलो। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और कुछ मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, और n इक्वल टू 2 का कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। हाँ यहाँ पे मैं कुछ n इक्वल टू 2 के कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और ये एग्जांपल है यहाँ पे, आप देख लो। अब मैं पहुँच रहा हूँ एरोमेटिक के कॉलम में, और एरोमेटिक के कॉलम में मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो आप, n इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल दिया है, तो n इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल जब मैंने दिया तो एरोमेटिक कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमको मिल गया, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल गया, बोलो। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिल गया। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एक तो मैंने वही बता दिया जो मैं अभी कॉट का एग्जांपल बता रहा था। कॉट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से कॉट में? 8 थे। उसको उसको पोटेशियम से कितने दे दिए थे? 2 हो गए थे, 10, है ना। तो जो जो एनायन हमने बनाया था वो हमारा कैसा हो गया था, वो एरोमेटिक हो गया था, है ना। एक तो वो मैंने बना रखा है यहाँ पे ऊपर, देख लो केस थर्ड में, है ना, एरोमेटिक के कॉलम में। फिर मैंने एक एग्जांपल दिखा है, नेप्थलीन का एग्जांपल लिखा हुआ है, दिख रहा आप लोगों को, है ना। तो नेप्थलीन भी क्या कैसा माना जाएगा, नेप्थलीन भी कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, देखो 6 10 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी है इस समय जो दिखा रहा हूँ मैं, है ना, इस समय जो दिखा रहा हूँ, जिस समय जो लिखा हुआ है। इसके बाद वाले में क्या होता है उससे अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि नेप्थलीन का जो इस समय बोर्ड पर लिखा हुआ जो स्ट्रक्चर है वही सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा या जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा, इसलिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही माना जाएगा नेप्थलीन, समझ गए। 3, 2, 5 पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना। इसका एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है विद 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका एक आइसोमर होता है, उसका नाम है एजोलीन। नीचे दिख रहा है आप लोगों को? डार्क ब्राउन कलर का होता है, सॉलिड होता है, आइसोमर होता है। जो नेप्थलीन होता है व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जो एजोलीन होती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है, सॉलिड होती है ना, सॉलिड कंपाउंड होता है। इसमें जो पहली रिंग है वो 7 कार्बन की है, ये सुनो, दिख रहा है आपको? और दूसरी जो रिंग है वो 3 कार्बन में, 3 कार्बन ही कंट्रीब्यूट कर पा रही है, 2 तो उसकी यूज कर रही है पहले वाली रिंग की। फिर आ रहा नहीं आ रहा है ना, पहला जो रिंग बना हुआ है वो कौन सा रिंग बना हुआ है, पहला वाला 7 कार्बन का बना हुआ है, और दूसरा वाला रिंग कितने कार्बन का बना हुआ है? हाँ, 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है तो 5 कार्बन का, लेकिन 2 उसी का यूज कर रहा है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 10 कार्बन हो गए, तो टोटल 10 कार्बन हो गए। अब इस 10 कार्बन की, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो ये था, जो आपका एजोलिन होता है, दैट एजोलिन कंपाउंड इज अ आइसोमर, है ना। ये आइसोमर होता है किसका, किसका आइसोमर होता है? नेप्थलीन का आइसोमर होता है, ठीक है। तो ये नेप्थलीन का आइसोमर है, ओके। और जब हम इसमें डीलोकलाइजेशन देखते हैं,
है ना, जब हम इसमें डीलोकलाइजेशन देखते हैं, इसके केस में डीलोकलाइजेशन देखते हैं, तो ये जो डीलोकलाइजेशन करता है तो उससे जो मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ वो देख लेना आप, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। रुको एक मिनट, आईपैड कनेक्ट, अरे यार आईपैड चला गया। तो इसके केस में क्या होगा, 7 मेंबर रिंग बना देता हूँ ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा करके, और ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे कुछ होगा। सही, एक नेगेटिव चार्ज जनरली डिनोट एक बॉन्ड को कर देता है। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब है, और एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन की कमी, एक वैकेंट ऑर्बिटल, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड। एक ये 7 कार्बन का एक कैटायन बनता है ऐसे करके, ये करके ये होता है, दट कॉल्ड ट्रिपिलियम, ट्रिपिलियम कैटायन कहलाता है। हाँ, तो ये एरोमेटिक होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो एजोलिन का जो आइसोमर होता है, एजोलिन का आइसोमर जो होगा, उसके अंदर जब हम इस पार्ट को देखते हैं ना, इस पार्ट को देखते हैं ऐसे करके, इतने पार्ट को देखते हैं, तो हमें ऐसा दिखता है कि यार 7 कार्बन की रिंग है, जिसमें एक कार्बन पे क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये एक तरह से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, नहीं हो गया? Yes, sir. तो ये एरोमेटिक हो गया, yes, कि नहीं sir. हो गया? Yes. Yes, sir. अब मैं आपको ब्लू पेन से कर काम करके बताता हूँ, सर्किल ऐसे सर्किल कर रहा हूँ ऐसा करके, है ना। ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के, ध्यान देना है ना, अगर मैं 5 कार्बन की रिंग का एक सिस्टम बना के देता हूँ और उसमें इस तरीके से ये करता हूँ, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइन आयन, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयन, ये भी एरोमेटिक है, लग रहा है एरोमेटिक है ना, क्योंकि ये इस कार्बन का भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई वाला हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले पाई का हो गया, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक। तो इसका एक तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, और एक ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है सेकेंड नंबर, इसके बाद और भी बनेंगे, लेकिन जो भी बनेंगे उसमें दोनों रिंग में क्या होगा, दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, आगे डिस्टर्ब करेगा ना, या आएगा तो अच्छा, इसमें तो अभी आता रहेगा, जब तक कि ये वाला बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक तो आता रहेगा, भैया आप यहाँ भेज सकते हो ऐसे करके, भेज सकते हो या यहाँ भेज सकते हो, तो कुल मिला के दोनों रिंग में क्या बनी रहेगी, एरोमेटिसिटी बनी रहेगी, है ना। तो इसका कुल मिला के ये वाला जो पार्ट इस समय तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही सबसे स्टेबल पार्ट है, या सुनो, है ना। इसलिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ होगा, समझना बात, है ना, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया, दिख रहा आप लोगों को नीचे ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड, yes, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड के पहली रिंग में मैंने कौन सा चार्ज लगा दिया है, क्योंकि पहली रिंग में वो 7 कार्बन की रिंग में पॉजिटिव चार्ज ही घूमेगा, या सुनो, और 5 कार्बन वाली रिंग में नेगेटिव चार्ज घूमेगा, तो इसमें एक में एक रिंग में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए क्या होता है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, नेट पोलरिटी आ जाती है। और मैंने एक ऊपर दिख रहा हूँ वेक्टर, दिख रहा है वेक्टर लगा हुआ, दिख रहा है, हाँ वेक्टर लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को बच्चों, हाँ। तो वेक्टर जो लगा हुआ है वो बेसिकली वो क्या बता रहा है, वो आपको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता रहा है, एक्चुअली वो आपको डाइपोल मोमेंट का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, है ना, और वो आपको क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कंपाउंड एक तो पोलर कंपाउंड हो जाता है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ होता है, दिख रहा है आपको, है ना। इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाता है, इसलिए कंपाउंड पोलर हो जाता है, है ना। और इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और ये क्या हैव परमा नेंट डाइपोल मोमेंट, है ना। तो एजुलिन जो होता है नेप्थलीन के रिस्पेक्ट, आईपैड की स्क्रीन नहीं दिख रही, जो ये होता है मतलब एजुलिन जो होता है मतलब ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की तरफ जाता है,
और ये रेजोनेंस जो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है तो ये पोलर हो जाता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ जाता है इसके में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ नेप्थलीन और एजोलिन में, तो पोलरिटी किसकी ज़्यादा आएगी, नेप्थलीन की एजोलिन की आएगी। नेप्थलीन कैसे बना था, नेप्थलीन तो इस तरीके से बना था, दोनों बेंजीन दोनों आपने सिक्स की बनाई थी ऐसे करके ही बनाई थी, तो विच इज मोर पोलर मॉलिक्यूल। हाँ एजोलिन इज अ मोर पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए एजोलिन क्या कर जाता है, एजोलिन का परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ जाता है, तो आयनिक करेक्टर बढ़ने से एजोलिन थोड़ा सा आयनिक साइड में चला जाता है। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होता है, इसीलिए जो है ना वो जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई कर जाता है ना, और डाइपोलमेंट वगैरह इसके ज़्यादा निकल के आते हैं ऐसे करके है ना, और वो कलर वगैरह जो है ना वो चेंज हो जाता है इस तरीके से है ना, अलग अलग आता है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह चेंज हो जाता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसका एजोलिन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉलिडिफाई ज़्यादा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो ये सब जो है ना डिफरेंसेस जो है ना वो क्रिएट हो जाएंगे है ना, तो इस तरीके से इसको भी समझाते हैं। नेफ्थलीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, यही है ना ब्लू प्रिंट से बनाया ना, ये वाला मेन कंट्रीब्यूटर यही है, इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, उसमें एक ही रिंग में क्या आता है ना, एक ही रिंग में एरोमेटिक करेक्टर आता है या कैकुली अरेंजमेंट आता है, बाकी ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ इस स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों रिंग में कैकुली अरेंजमेंट आता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो पिछले लेक्चर में बताया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन बनाए थे, इसमें फर्स्ट जो था वो दोनों से ज़्यादा स्टेबल था, और मैंने ऑर्डर बताया था स्टेबिलिटी का, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इस तरीके से। पिछले तो इसमें 10 कार्बन एटम्स हैं, 10 कार्बन एटम है, और एजुलिन में भी 10 कार्बन एटम्स हैं। ये कैसा है, ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितने बॉन्ड है, देखो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 कार्बन है, ये सुनो, यस सर, और यहाँ पे ये कितने की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की है, तो 6, 4, 10 हो गए। और एजोलिन में क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन हो गए, तो 7 कार्बन के करेंगे, फिर 1, 3 कार्बन और आ रहा है, 1, 2, 3, 10 हो गए, पाई बॉन्ड उतने ही है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है, तो ये दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर है ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं है ना। बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पोलैरिटी परसेंटेज आयनिक फैक्टर जब डेवलप होता है ना तो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहता है, और आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से है ना। सो दिस सर ये नेफ्थलीन का जो स्ट्रक्चर दूसरा बनाया है जिसे आपने ब्रैकेट में एनक्लोज करा है, सर वो कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, नहीं सर ये दूसरा वाला ऊपर सबसे ऊपर जो है, ये ऊपर जो जिसमें नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, हां सर वो नेफ्थलीन का नहीं, वो इसका है, कॉट वाला है, कॉट वाला, कॉट में जो पोटेशियम से रिएक्शन कराया था, निकला था एंटी एरोमेटिक, इसीलिए कंफ्यूज हुई थी, इसके नीचे लिखा था नेफ्थलीन, नहीं नहीं उधर लिख दिया होगा इसके साइड में लिखते समय कहीं है ना बोर्ड में, ठीक है। हां सर, यस सर, चलो तो इसके आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे आपको इसमें क्या है। सर आज का क्लास कितनी देर का होगा, ये देख लेते हैं इसमें कितना बाकी है अभी, अगर ज़्यादा लग रहा है तो ओके, एक काम करते हैं यहीं पे रोक देते हैं आज क्लास है ना, ठीक है। और इसके बाद जो है ना आप लोग ये लेक्चर जो है ना इसमें एरोमेटिसिटी वाला 2 पार्ट और बचे हुए एरोमेटिसिटी के, सो आप लोग देख के आइएगा, लेक्चर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 14 दो पार्ट आपको देख के आने हैं ना। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा देर ये पढ़ेंगे और ज़्यादातर न्यूमेरिकल करेंगे, तो कल का नहीं, कल का क्लास तो वो वाला है केमिकल बॉन्डिंग का क्लास है, मंडे है ना कल, तो ठीक है, तो यहाँ रोक देते हैं, काफी हैवी क्लास हो जाएगा नहीं तो, ये बैक बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, हाँ कल बैक बॉन्डिंग पढ़ाएंगे है ना, ये लेक्चर देख के आना है सब लोगों को, ये वाला लेक्चर है ना एरोमेटिसिटी का, और तो ये कौन सा लेक्चर है, ये एरोमेटिसिटी का 13 नंबर लेक्चर है और 14 नंबर लेक्चर है, ये दोनों आप लोग देख के आइएगा। और कल की क्लास में हम लोग
एक मेरा एक डीपीपी है जो मैं ही सॉल्व करता हूँ, मतलब हम लोग सामने ही सॉल्व करते हैं उसको। शायद मैंने उसको दिया नहीं है आपको, इसमें इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें आपके पास नहीं है वो डीपीपी, वो डीपीपी मेरे पास ही है, मैं ही सॉल्व कराऊंगा आपको सामने बैठा के और आपसे आंसर पूछूंगा, है ना। तो उसमें हम लोग यही इसको करेंगे सबसे पहले, तो 30-40 मिनट का ये लेक्चर है, फिर मतलब 40 मिनट का जो, तो मैं आपको ट्यूसडे तक का होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका ये पूरा पीछे का बचा हुआ है वो पूरा रिवाइज कर ले, है ना। ट्यूसडे को हम लोग दोबारा क्लास करेंगे, है ना, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं वो अपना यहाँ से चालू हो जाए, इंट्रोडक्शन से इस तरीके से चालू हो जाए, ठीक। ईसा आप चाहो तो रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाकी किसी भी बाकी किसी और को भी सुनना हो तो रुक जाए वो, है ना, है ना, ठीक। हाँ सर, आपने कहा था कि आप मतलब डाउट क्लास ले सकते।